प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सभी सीमावर्ती बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए चेकिंग अभियान चलाकर जांच कर रही है। इसी क्रम में उड़ीसा की ओर से आ रही एक कार को पुलिस ने नेशनल हाईवे 53 पर रोका और जब उसकी तलाशी ली तो पुलिस को कार में 48 किलो गांजा भरा हुआ मिला। पुलिस ने गांजे को बरामद कर सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 4,80,000 रुपए बताई जा रही है। देखिए, लॉकडाउन के दौरान हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा के पुपलेश सर के द्वारा दिशा निर्देशित किया जा रहा था कि अवैध रूप से गांजा परिवहन और शराब की जो अवैध कारोबारी इधर से पाउडर उड़ीसा होते हुए जाती है उस पर रोकथाम कर कार्रवाई करनी है। उसके आधार पर हमने एक संयुक्त टीम बनाकर आज दिनांक 30/4/2021 को हमारा स्टाफ के साथ NH 53 पर वाहन चेकिंग की एक पॉइंट लगाई थी, जिसमें एक टियागो कार जिसका क्रमांक है OD 17-2792 जो पदमपुर उड़ीसा बसना होते हुए रायपुर ले जा रही थी, जिस पर काफ़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रफुल्ल डोरा बताया, गौरपाली निवासी जिला बलांगीर का है और दूसरा व्यक्ति था हेमंत साहू जिसकी उम्र 20 वर्ष है, वो महाबेरना जिला बरगढ़ का रहने वाला है। यह संपूर्ण कार्रवाई NH 53 घासीदास चौक पर कार्रवाई की गई, जिसमें टोटल गांजा 48 किलोग्राम बरामद की गई। एक गाड़ी है जिसकी कीमत 4 लाख है, नकदी रकम 700 रुपये है और 2 नग पुराना मोबाइल हमने जब्ती का बनाया है। गाड़ी की कीमत, गांजे की कीमत लगभग 4,80,000 रुपये का आकलन किया गया है और टोटल जुमला सभी को मिलाकर 8,86,700 रुपये का रकम बरामद हुआ। इसी प्रकार अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए द हॉकर न्यूज नेटवर्क के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर न्यूज की पहली अपडेट आप तक पहुंचे।